स्टूडेंट्स आज का टास्क चेक करने से पहले मैं आप बता दूं कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन यूज़ करिए टास्क वन में और जो मिस्टेक्स हैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन कर सकते थे मैंने वो राइट साइड पे लिखा है मोस्टली आपकी कॉन्ट्रैक्शन वाली ही गड़बड़ है बट स्टिल आई आई वुड सजेस्ट कि तीन कैबलरी और तीन स्ट्रक्चर जरूर यूज़ यूज करें मैं आपको ये पी डी एफ व्हाट्सएप पर सेंड करूँगी तो हम टास्क वन तब डिस्कस कर लेंगे टास्क टू का हम देखते हैं ओके इन सम कंट्रीज देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेरेंट्स चूजिंग टू एजुकेट देअर चिल्ड्रेन सेल्फ एट होम इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैम टू स्कूल ठीक है कि वो कहते हैं कि हम बच्चों को घर में टीच करेंगे लाइक उनको स्कूल नहीं भेजेंगे डू द एडवांटेजेस ऑफ होम एजुकेशन आउट वे द डिसएडवांटेजेस जब आउटवे वाला ऐसे आता है ना तो हमें सेवेंटी थर्टी करना है यानी कि एक चीज़ के बारे में ज़्यादा बताना है और दूसरी के बारे में कम बताना है एक के बारे में सेवेंटी परसेंट बताना है देखते हैं कि आपने क्या किया है एजुकेशन इज हेल्प्स द फाउंडेशन विच हेल्प दी पर्सन टू बिल्ड हिज करियर के स्पेलिंग रोंग हो गए नावड इज चिल्ड्रेन ट्रेनिंग एजुकेशन एट होम फ्रॉम देयर पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल आएगा उन्होंने भी इंस्टेट ऑफ लिखा है आपने स्टार्ट ऑफ की जगह रैदर देन कर सकते थे कि आपका रॉन्ग नहीं है अगर आपने इंस्टार्ट ऑफ लिखा है बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि अगर उन्होंने इंस्टार्ट ऑफ लिखा है सेम लाइन में तो आप दूसरा स्ट्रक्चर यूज करने की कोशिश करो दिस ट्रेंड हैज़ मोर कॉन्स एज कम्पेयरिंग टू कंपेयरिंग नहीं आएगा कंपेयर टू कॉन्स प्रोज विच आई एम गोइंग टू इन फोर्थ कमिंग आई जब भी आई आई मैं वाला की बात करते हैं तो वो आई हमेशा कैपिटल आता है और यहाँ पे अगर आई नहीं आई करके नहीं लिखते तो भी चलना था जो टास्क वन है आपका इनफॉर्मल लेटर है उसमें कॉन्ट्रेक्शन आएंगी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन नहीं आएंगी तो आपने यहाँ पे आई एम अलग अलग लिखा है वो ठीक है तो अगर अगर आप आई एम की जगह पे आ, नहीं? सीधे नाम भी लिखते आई एम ऑनलाइन सीधा बोल दिया कि हाँ ज्यादा प्रोज है एज कंपेयर ज्यादा कौनस है एज कंपेयर टू प्रोज दैट मीनस आप आउट वे कर रहे हो तो वहाँ तक भी जस्टिफाइड था देखते हैं टू कंपेंस विद इट्स प्रोज गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम पेरेंट्स हेल्प्स टू मेक देयर बॉन्ड स्ट्रोंोंग स्ट्रोंोंोंगर सही रहेगा बिकॉज दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर ओके दे नो अबाउट ईच अदर Others, एक दूसरे का राइट right? अपोस्टरफियस करके ऐसा आएगा बिहेवियर एंड नेचर एंड ऑल्सो ईच अदर्स यहाँ पे भी अपियस आएगा वेज टू डील विद प्रॉब्लम्स उससे क्या होएगा मतलब कि ठीक है फाइन बट अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं स्कूल से घर आ रहे हैं तो घर में भी तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते ही है ना तो सिर्फ स्टडी करवाने का ही क्यों आपने ऐसा किया चलो ओके पॉइंट रेलिवेंट है थोड़ा सा वीक है कोई बात नहीं यहाँ पे नॉट ओनली बट बटोसो वाला स्ट्रक्चर लग सकता था आपका पार्ट फ्राम दिस इट्स इट्स नहीं आएगा इट इज आएगा आपने जो इट्स लगाया है उसका मतलब है इसका इट इज़ लगाना है आपका वो रोंग हो गया आपके टास्क में भी रोंग था कन्वीनियंट फॉर द पेरेंट्स एज दे कैन डिलीवर एजुकेशन दे एनी टाइम इन डे किड्स इन फॉर्मल वर्ड होता है किड्स नहीं यूज़ करना है आप स्टलिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो ऑफ uh, स्प्रिंग कर सकते हो uh, अगर हम देखें आपने एज वाला स्ट्रक्चर लगाया है सही है नाइस इन द डे एंड दे कुड बी मोर फ्लेक्सिबल विद देयर वर्किंग आवर्स ओके फॉर एग्जांपल इफ मदर अ मदर आएगा इज जॉइन नाइन टू फाइव जॉब देन शी हैज इनफ टाइम इन द इवनिंग टू टीच हर किड्स किड्स फिर से लगा दिया किड्स नहीं आना in this way it helps to enhance the productivity in both spheres as they are free to manage according to their perception not perception like availability the preference aa sakta hai perception nahi aana hai okay to aapne ye do point likhe but matlab is second wale point se mujhe aisa lag raha hai ki agar wo aisa time spend karenge मतलब ये ऐसा, ऐसा करेंगे, मतलब ये वाला point हम negative नेम नहीं, नहीं कर सकते थे कि वो job कर रहे हैं तो double चीज़ें handle करनी पड़ेगी burden increase हो जाएगा स्कूल जाएंगे जिस टाइम पे वो जॉब पे जा रहे हैं उसी टाइम पे वो स्कूल जाएंगे तो घर आके मिलेंगे ऐसा कुछ करके नहीं कर सकते आप ऐसा मतलब चलो कोई बात नहीं पॉइंट है ऐसे ही थोड़े से वीक लग रहे हैं बट डिपेंड करता है कि आपने कॉन्स में क्या लिखा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाले तो हम कौनस में लिख सकते हैं अगर आपने कॉन्स में डिफरेंट लिखे हैं तो आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर आप आपका वो जस्टिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सही से जस्टिफाई किया है या नहीं एक और बात एक बार आपने एज यूज़ कर लिया ना यहाँ पे तो दूसरी बार सिंस यूज करो आपको वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर ट्वेंटी फाइव स्ट्रक्चर होते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ऑन द अदर हैंड दिस स्टैंड हैज डी मैरिट्स टू फर्स्टली देखो फर्स्टली जब आप लिखते हो तो आपको उसको ना फाइनली के साथ फर्स्टली सेकेंडली एंड फाइनली उसके साथ फिनिश करना पड़ता है दैट मीन्स कि आप कम से कम तीन पॉइंट लिखो तभी उसको फिनिश कर पाओगे ना फाइनली के साथ बट आप ना एक पैराग्राफ ही है इसका तो एक पैराग्राफ में फाइनली तीन पॉइंट कैसे लिखोगे एक पैराग्राफ में तो मैक्सिमम दो पॉइंट्स ही लिखने हैं तो फर्स्टली करके नहीं आना था आपका तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन ऑफ द सेलियंट मैरिड वन ऑफ द प्रोमिनेंट डी मैरिड ऐसा करके लिख सकते थे किड यूज़ किया है इसको ठीक करने की ज़रूरत था नौ वरीज मैं आपको सैम्पल से सेंड कर दूँगी कि इसमें कैसे स्ट्रक्चरल वो कैबलरी लगा सकते थे गेटिंग इफ किड इज गेटिंग एजुकेशन एट होम ही इज़ नॉट गेटिंग एनी डिग्री और सर्टिफिकेट दे डो नाट है एकेडेमिक सो हाउ दे क्यूरम प्रूफ देर एजुकेशन ओके यहाँ तक ठीक था अगले वाले में ऐसा कर सकते थे नेक्स्ट लाइन में बना के ऐसा कर सकते थे कि ड्यू टू नो प्रूफ ऑफ एजुकेशन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू एनरोल इन एनी यूनिवर्सिटी और गेट ए जॉब ऐसा करके बोल सकते थे इस वे से जैसे मैंने बोला आपने जो बोला वो थोड़ा सा इनफॉर्मल दे आर कोना ऐसा करके नहीं लिखना कोना तो इनफॉर्मल वर्ड होता है ना इनफॉर्मल नहीं यूज़ करना हमने ऐसे में वो सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में यूज़ करना है और स्पीकिंग में यूज़ करना है और वो स्टूडेंट कैन लर्न लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज इफ़ दे आर गोइंग टू स्टे एट होम ऑल द टाइम दैन देर विल भी लेस अट्रैक्शन विच कैन मेक दैम शायर आइसोलेट फ्रॉम मैनी अदर स्किल्स मतलब स्किल्स से आइसोलेट नहीं करते डिप्राइव ऑफ uh, मैनी स्किल्स कर सकते हो डि एंड जो आपने मैनी लिखा है मैनी की जगह पर पहले थोड़ा आउट भी कर सकते हो विच वन मस्ट हैव टू डील और वर्क आउटसाइड विद फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करे तो डब्ल्यू कैपिटल आएगा दो स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस कॉमा इट इज़ हार्ड आपने फिर से वो इट्स लिख दिया इट इज़ आएगा जैसे मैंने बोला यहाँ पे इट इज़ हार्ड टू गेट अ जॉब विद अट्रैक्टिव सैलरी ओके सैलरी की जगह डेमेशन भी कर सकते हो बट आपने ठीक है आपने जो प्रॉज लिखे उसका डिफरेंट ही कौनस लिखे हैं तो आपका जस्टिफाई किया है ठीक है अगर हम देखें कंक्लूजन इनकनक्लूजन होम एजुकेशन हैज मैनी बेनिफिट्स बट ओके जब आपने ओल्दो लगाया है तो ओल्दो में बट लगाने की ज़रूरत नहीं होती जो कॉमा लगाया ना कॉमा का मतलब ही बट होता है ठीक है आपको सेपरेटली बट करने की जरूरत नहीं है इट्स यहाँ पर आपने इट्स सही यूज़ किया है इट्स डोपैक्स कैन नाट बी निकलेक्ट इट्स तो, वैसे मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जो आपका टास्क हुआ उसमें सो मत यूज़ किया करो देअर फॉर देंस कॉन्सिक्वेंटली एज अ कॉन्सिक्वेंस ये यूज़ किया करो फॉर द फुल डेवेलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कॉमा इट इज़ मैंडेटरी टू सेंड अ चाइल्ड टू स्कूल वेयर ही कैन ग्रो अकॉर्डिंग टू इज नीड्स एंड माइंड सेट देखो आपने आउटवे किया है ना तो आपने दोनों में तो दो दो पॉइंट्स लिखे हैं फिर आपका आउटवे कैसे हो गया आपका आउटवे का मतलब होता है ना कि एक को ज़्यादा पॉइंट बताने हैं तो आपने तो दोनों के दो दो करके तो फिफ्टी फिफ्टी हो गया तो आप जिसको अगर आपको कौनस को आउटवे करना है तो प्रोज वाले में एक ही बेनिफिट बताओ उसके साथ एग्जाम्पल दे दो उसको आ, पॉइंट को एक्सटेंड करने के लिए बट आपका आउटवे वे नहीं हुआ तो आपका टास्क रिस्पॉन्स में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो अगर हम देखें मैं यूजली ये कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि फ़ाइव स्ट्रक्चर एंड फाइव वकेबलरी यूज़ करोगे सिक्स पॉइंट फाइव तक चाहिए ओबियसली आपका टास्क रिस्पॉन्स सही होना चाहिए और स्पेरिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए फाइव स्ट्रक्चर एंड फाइव विकैबलरी करोगे तो सिक्स पॉइंट फाइव आएँगे सेवन स्ट्रक्चर एंड सेवन सेवन वकेबलरी करोगे तो आपके सेवन बैंड आएंगे देखते हैं कि आपने कितने यूज़ किए हैं दूसरे पेन से करते हैं वेट करिए इंस्टेड uh, ऑफ किया है चलो उनने भी किया है आपने भी किया बट डेट इज़ फाइन को ये सेम ठाक हो गया हम्म उसके बाद गेटिंग करके जीडन यूज़ किया है आई एन जी लगा के ठीक है सेकेंड एस यूज़ किया है थर्ड फोर्थ मतलब फोर्थ भी पूरा काउंट नहीं करूँगी बट वाला लगा के आपने रोंग कर दिया ना तो थ्री पॉइंट फाइव स्ट्रक्चर से यूज़ किए हैं आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको आई एम सो सॉरी मैं आपको सिक्स पॉइंट फाइव जहाँ सेवन नहीं दे सकूँगी जो ग्रामर वाला पार्ट है क्योंकि आपने सेवन स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किए अगर हम वो देखें अगर हम इसमें टैक्सीकर्स इसमें तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया तो ए, एक में रोंग हो गया ओके okay, अगर हम वो देखें प्रोडक्टिविटी ठीक है वन परसेप्शन का मैंने बताया था ना कि यहाँ परसेप्शन वर्ड नहीं आना डूंग आपने यहाँ पे थोड़ा यूज़ ओके okay, स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया है टू हेड सेट आपको वो कैबलरी इम्प्रूव करने की नीड है आपको पॉइंट जो बता रहे हो ठीक है मुझे थोड़े से वीक लगे जब बट आपने अपने रोज में जस्टिफाई कर दिया स्ट्रॉ uh, करी है क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं यहाँ पे अगर जैसे मैंने वो एक दो स्ट्रक्चर्स तो बताए ही आप जैसे मैंने बोला कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कर सकते थे और सिंस भी कर सकते थे और इसमें uh, आप अगर वर्ड्स की बात करें जैसे मैंने बोला कि वन ऑफ द ऐसे करके आपने बोलना है सेलियन करके कर सकते थे और इसमें आप ऐसा बोल सकते थे कि आपने बोला ना कि ये एक निगलैक्ट होती है निगलैक्ट की जगह पे आप ओवर भी कर सकते थे वर्ड और uh, क्या कर सकते थे हाँ किड्स के लिए भी मैंने वो अल्टरनेटिव बताया कि आप अलग अलग कर सकते थे मैं आपको ना एक सैम्पल से इसका सेंड कर दूंगी सो so दैट कि आपको पूरा जस्टिफाई हो जाए इसको बैटर वे में कैसे करना है बट जैसे मैंने बोला अगर आपके सेवन स्ट्रक्चर और सेवन व कैब नहीं है तो मैं आपको सेवन नहीं दूंगी फाइव स्ट्रक्चर और साइव फाइव वो कैब भी नहीं है तो मैं सिक्स पॉइंट फाइव भी नहीं दूँगी एम सो सॉरी बट बाकी जो आपने उसके वे में लिखा है तो सिक्स तक तो मैं दे ही सकती हूँ कि आपके फोर पैरामीटर्स हैं आपने आ, जो लिंकर कनेक्टर वाला जो सेकेंड पैरामीटर है उसमें फर्स्ट ली करके रोम कर दिया बट बाकी आपका ठीक है सही है फ़ाइन बट uh, अगर आप देखें हम देखें कि टास्क uh, रिस्पॉन्स है तो जैसा भी किया है टास्क रिस्पॉन्स टास्क रिस्पॉन्स में इतना ज़्यादा मतलब फिर भी आपने वो जस्टिफाई करने की कोशिश की है थोड़ थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है तो टास्क रिस्पॉन्स में फिर भी मैं सिक्स पॉइंट फाइव दे दूँगी तो जो टास्क रिस्पॉन्स है उसमें सिक्स पॉइंट फाइव आ सकता है जो आपका सेकेंड जो है सी uh, सी होता है उसमें आपका सिक्स पॉइंट फाइव आ सकता है बट आपका uh, क्या बोलते हैं उसको थर्ड वाला कौन सा था जी एल एलेक्सिकल रिसोर्सेस में सिक्स ही आएगा और जी आर रे, ए ग्रामेटिकल रेंज वाले में सिक्स आएगा मुझे एक बार ना देखने दो दोबारा से बिहेवियर की जगह डिमीनियर भी आ सकता है मुझे यहाँ पे ना ये वाले पॉइंट फिर भी वीक लग रहे हैं चाहे आपने जस्टिफाई किया बट मुझे फिर भी वीक लग रहे हैं क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं तो दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना कर सकते थे कि कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें फिक्स मेथड यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के बट हर कोई का हर स्टूडेंट का डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग होता है तो यहाँ पे क्या है कि अगर पेरेंट्स टीच करेंगे तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग टीच करेंगे तो वो पट जस्टिफाई हो सकता था तो इसको मैं टास्क रिस्पॉन्स में थोड़ा सा कम लग रहा है तो फ़िलहाल के लिए सिक्स से ज़्यादा है मैं बोलूँगी और सिक्स पॉइंट फाइव से कम है या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका सिक्स से ज़्यादा ही है पर सिक्स पॉइंट फाइव से कम है थोड़ा सा तो उसको सिक्स पॉइंट फाइव तक लेके आने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ेंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी कैसे करना है इसमें देखें तो आपका ग्रामेटिकली आपने कंट्रैक्शन यूज़ नहीं किए अगर आपको लेटर में स्कोर चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा उसके अलावा आपने यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं यहाँ पर टास्क वन जो होता है मैं टास्क वन में कहती हूँ थ्री वो कैब है थ्री स्ट्रक्चर यूज़ करिए बिकॉज उसमें तो वन फिफ्टी वर्ड्स ही करने होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आप वन एट्टी वर्ड्स ही करते हो ना इसलिए बट आपने इसमें भी वो नहीं यूज़ किए हैं स्ट्रक्चर वो कैब कुछ नहीं यूज़ किया है आपने तो भाई इसमें आपको देखने की जरूरत है कि आप इसको में इम्प्रूव ओवर वर्म कर सकते हो ये ठीक है ओवर द मून किया है ईडीएम किया है करेक्ट है क्योंकि ये आपका इनफॉर्मल लेटर है तो उसमें आप ई करोगे एज फिट एज इडल यूज़ करने की कोशिश किया ईडीएम बट रॉन्ग है इसको करेक्ट वे में ऐसे लिखना है आपको ये देखने की ज़रूरत है माइग्रेटेड वर्ड किया ये सही है और oh, एलिस्ट्रेटिंग oh, ये भी ठीक है ओके okay. स्ट्रक्चर एक यूज़ किया है स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग हो गया वो कैब यूज़ किया है वो ठीक है यहाँ पे आपने रिमाइंड अवर ओल्ड कॉलेज डे की जगह नोस्टैल्जिक मोमेंट्स नोस्टैल्जिक होता ना पुरानी खट्टी मीठी ज्यादा वो कर सकते थे बाकी कॉन्ट्रैक्शन की आपकी ज़्यादा गड़बड़ है बाकी पॉइंट आपने ठीक लिखा है इसमें मैं आपको सिक्स पॉइंट फाइव दे सकती हूँ क्योंकि टास्क ऑन में स्कोर करना थोड़ा ईजी होता है तो आपका टास्क रिस्पॉन्स यहाँ पर ठीक है आपका बस वो नहीं ठीक कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज़ कर रहे उसमें ज़्यादा गड़बड़ है और स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ कर रहे बट फिर भी ये अच्छा है आपका इसमें सिक्स पॉइंट फाइव बट टास्क टू में सिक्स पॉइंट तो अगर हम ओवरऑल देखें आपको पता है ना कि आपका जो स्कोर मिलता है जो टास्क टू होता है उसको डबल काउंट करते हैं और टास्क वन होता है उसको एक बार काउंट करते हैं आपको जब ऑफिशियली साइड से भी मिल जाएगा टास्क टू का स्कोर मैंने बोला सिक्स प्लस टास्क टू का स्कोर अगेन काउंट करेंगे तो वो हो गया सिक्स प्लस टास्क वन का स्कोर अगर हम काउंट करें वो है राइट right. तो आई बिलीव ये आपका बनेगा एटीन पॉइंट फाइव एटीन पॉइंट फाइव को अगर हम डिवाइड करें अभी कैसे डिवाइड करेंगे हम करेंगे ये तीन चीज़ें हैं नन टू थ्री तीन के साथ थ्री के साथ ओ स मैंने थ्री लगा दिया फाइव करना था इसको थ्री के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका बन रहा है सिक्स पॉइंट वन तो सिक्स पॉइंट वन आपका राउंड डाउन ही होएगा वो अप नहीं होएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव हो या सिक्स पॉइंट टू फाइव से ज़्यादा हो तो आपका वो अप के टू पॉइंट सिक्स पॉइंट टू फाइव करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउन जाके सिक्स बैंड बन रहे हैं ओवरऑल यानी कि टास्क वन आउट ऑफ नाइन बैंड से मिलता है टास्क टू आउट ऑफ नाइन बैंड से मिलता है एंड आई बिलीव आपके पास राइटिंग पी डी एफ है तो वहाँ पे मैंने आपको बैंड डिस्क्रिप्टर भी बताया हुआ end है एंड में देखिए तो आपका दोनों का अलग अलग पता चल जाएगा और फाइनल स्कोर आपकी ऐसे बनती है Okay, अगर आपका अगर मान लो आपका जो टास्क वन है आपने अच्छा किया होता मतलब जो सिली मिस्टेक्स ना की होती है और ये दो चार दो तीन स्ट्रक्चर्स लगाए होते तो मान लो फिर आपका टास्क उसमें टास्क वन में सेवन बैंड आ जाते ठीक है, है तो ओवरऑल करके आपका सिक्स पॉइंट अगर उसका सेवन आते तो सिक्स पॉइंट थ्री बनना था ओवरऑल दैट मीन्स आपका ऑटोमेटिकली राउंड अप होके बैंड बन जाने थे दैट मीन्स कि टास्क टास्क वन की भी इम्पोर्टेंस होती है तो अगर आपका वो अच्छा जा रहा है तो हाफ बैंड तो आपका इंक्रीज हो ही सकता है ना उससे होप मैं कंफ्यूज ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें फ़िलहाल सिक्स आए हैं और इसमें सिक्स पॉइंट फाइव आए हैं टास्क टू में सिक्स एंड टास्क वन में सिक्स पॉइंट फाइव ओवरऑल करके देखें ये मेथड यूज़ करते हैं वो ओवरऑल काउंट करने का ओवरऑल करके आपके सिक्स ही बन रहे हैं लेकिन अगर आपने टास्क वन में यह गड़बड़ ना की होती तो आपके अगर मान लो टास्क वन में सेवन आते तो ओवरऑल करके आपके सिक्स पॉइंट फाइव बन जाने थे दैट मींस टास्क वन की भी उतनी इंपॉर्टेंस है कि आपका वो थोड़ा क्योंकि टास्क वन में स्कोर लेके आना ईज़ी होता है तो वो आपकी स्कोर बूस्ट कर सकता है हाफ बैंड तो इंक्रीज कर सकता है ना वो आपको अच्छा कर रहे हो तो टास्क टू को तो करना ही है अच्छा कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे मैसेज करना बट इसमें स्ट्रक्चर्स कम यूज़ किए हैं और वो कैबलरी कम यूज़ की है तो उसको अगर आपको अगर आपका रिक्वायरमेंट सेवन है तो आपको वो करना पड़ेगा यूज़ वर्ड्स करने पड़ेंगे सिंपल वर्ड्स से नहीं लेके आ सकते स्पीकिंग में ऐसा होता है कि आप वो कैब ई के बिना थोड़े से यूज़ कर लो वो कैब बट ई नहीं भी यूज़ करोगे स्पीकिंग में स्कोर आ जाता है क्योंकि स्पीकिंग में वो ज़्यादा अगर आप जितना अच्छा फ्लेंटली फ्लेंटली बोल रहे हो उतनी आपकी अच्छी स्कोर आएगी तो वो ज़्यादा मैटर करता है वो सेवन आ सकते हैं सेवन से ज़्यादा चाहिए होता है तो फिर कहते हैं कि चलो तो वो कैब यूज़ कर लो बट राइटिंग में क्या होता है तो आपको लेक्सिकल रिसोसिस में लेके आना पड़ता है ग्रामेटिकल रेंज में भी लेके आना पड़ता है वो कैब एंड स्ट्रक्चर्स होप मैंने ज़्यादा फास्ट ना बोला हो होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो और आप डीमोटिवेटेड डीमोटिवेटेड ना हो बस इस पर वर्क करो आप सोचो कि मुझे क्लास के पहले ही पता चल गया सॉरी फाइनल एग्जाम के पहले ही पता चल गया कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं होने वाली हैं मेरी तो आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे अगली बार ठीक है और जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसको फाइव टाइम ज़रूर लिखिए तो इससे आपको नेक्स्ट टास्क इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी ओके okay, पर